एक सेंटेंस एक टेंस की काइंड्स कंप्लीट. द सन हैज नॉट, द सन हैज नॉट राइज. तो स्टूडेंट्स मैंने देखो यहाँ पे फिल कर दिया, पहले ही थर्ड फॉर्म फिल कर दी, राइजन क्यों. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा. द सन हैज नॉट, और यहाँ पे एक वर्ड था येट, यह एक वर्ड है येट. द सन हैज नॉट राइजन येट, क्यों मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. यदि आपको येट दिखाई दे, ठीक है, आपको सेंटेंस में जस्ट दिखाई दे, येट जस्ट सो फार ऑलरेडी वंस ट्वाइस थ्राइस, ये वर्ड्स आपको यदि स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट को भी छोड़ दो, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फिल क्या करना है. यदि ये वर्ड्स आपको दिखाई दें तो आपने फिल क्या करना है, तो आपने फिल करना है हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. यदि सिंगुलर की बात है यानी एक की बात है तो हैज, प्लूरल की बात है तो हैव, और आई के साथ भी हैव का यूज किया जाता है. अब हम ये फिल करके देखते हैं. माई मदर डैश जस्ट अराइव, जस्ट वर्ड आया है, माई मदर एक की बात है तो हैज जस्ट अराइव्ड, हैज जस्ट अराइव्ड. नेक्स्ट है वी डैश विजिट आगरा ट्वाइस, ट्वाइस वर्ड आया है, वी ज्यादा है तो हम यूज करेंगे वी हैव विजिटेड, वी हैव विजिटेड आगरा ट्वाइस. आई डैश ऑलरेडी डू दिस वर्क, ऑलरेडी आया है, इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा था, तो आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डू की थर्ड फॉर्म है डन, आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क. तो इस तरीके से आप पूरा प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर कर सकते हैं.